नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक डिएगो माराडोना के द्वारा 1986 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में पहनी गई जर्सी नीलामी में सबसे अधिक रकम हासिल करने वाली खेल से जुड़ी चीज बन गई है। इस जर्सी के लिए बुधवार को खत्म हुई नीलामी में 67.58 करोड़ रुपए मिले, यानी कि 7.1 मिलियन पाउंड। इस मैच में माराडोना के साथ एक विवाद जुड़ा है और इसे हेड ऑफ गॉड गोल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस मैच में माराडोना के एक गोल को लेकर विवाद था। माराडोना हेडर से गोल करना चाहते थे, लेकिन गेंद कथित तौर पर उनके हाथ से टकरा कर गोल पोस्ट में चली गई और मैच रेफरी इसे नहीं देख पाए और गोल को मान्यता दे दी गई। इस मैच में माराडोना ने इंग्लैंड की लगभग पूरी टीम को अपनी शानदार ड्रिबलिंग से चौंकाते हुए गोल कर टीम को यादगार जीत दिलाई थी। मैक्सिको सिटी में 22 जून 1986 को खेले गए इस मैच का महत्व और भी अधिक था, क्योंकि 4 साल पहले ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड द्वीप को लेकर संघर्ष हुआ था। माराडोना के मैच में दूसरे गोल को 2002 में फीफा ने जनमत में सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल चुना गया था। अर्जेंटीना इस मैच को 2-1 से जीतने के बाद सेमीफाइनल और फाइनल में जीत दर्ज कर चैंपियन बना था। इस मैच के बाद माराडोना ने इंग्लैंड के मिडफील्डर स्टीव हॉज के साथ जर्सी के अदला बदली की। उन्होंने अब तक इसे कभी बेचा नहीं था। ये पिछले 20 वर्षों से मैनचेस्टर में इंग्लैंड के राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय के लिए रेंट पर है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें।